हेलो दोस्तों, अब ऑनलाइन ही बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना बहुत ही आसान हो गया है। अगर दोस्तों आपके पास स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप है तो आप सर्वर कैफे या सीएससी सेंटर के चक्कर काटे बिना आप इसको खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बस दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को बताया है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप में कोई सा भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्विस प्लस लिख करके सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्विस प्लस लिख कर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद दोस्तों जो सबसे पहला आपको वेबसाइट मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे। वेबसाइट को ओपन होने के बाद आपको सबसे पहला इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। अगर दोस्तों आप लोग सर्विस प्लस वेबसाइट पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाएंगे, और पासवर्ड बनाने के बाद आपको उस पासवर्ड को याद रखना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे अपना स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेम टू सेम कैप्चा को यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद इतना करने के बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपने जो ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर दिया था उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को डालने के बाद फिर से सबमिट करेंगे। उसके बाद दोबारा सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे बैक होम स्क्रीन पे आने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे लॉगिन आईडी, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। लॉगिन आईडी में आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड दिया था स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के समय उसको यहाँ पे डाल देंगे। इतना डालने के बाद यहाँ पे सेम टू सेम कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद फिर से लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, उसके बाद फिर से लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई ऑल सर्विसेज पे आना है, उसके बाद यहाँ पे व्यू ऑल सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है। इसमें आप अपना स्टेट डालेंगे, तो दोस्तों मैं अपना स्टेट डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं ऑल कर लेता हूँ। आप लोग अपना डाल करके चेक कर लीजिएगा कि आपके स्टेट में ये वेबसाइट अवेलेबल है कि नहीं बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। यहाँ पे ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च कर लेंगे आपको क्या बनाना है। बर्थ सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ चुका है बर्थ इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अर्बन, इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रूलर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अर्बन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप रूलर मतलब देहात साइड से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे रूलर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे रूलर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहला कॉलम में मिल जाएगा डेट ऑफ बर्थ। आपके जिस भी चिल्ड्रन का आप बनाना चाहते हैं, जिस भी बच्चे का बनाना चाहते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या, यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट वाला सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका जेंडर पूछ रहा है, उसका बच्चे का जेंडर क्या है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ चाइल्ड, अगर बच्चे का आपने नामकरण कर दिया है तो यहाँ पे बच्चे का नाम डालेंगे, अगर नहीं किया है तो इसको ऐसे खाली ही छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे नेम ऑफ फादर का नाम डालेंगे, बच्चे के पिता का नाम डालेंगे। उसके बाद यूआईडी नंबर, आधार कार्ड नंबर डालेंगे उसके पिता का। उसके बाद यहाँ पे उसके मदर का नाम डालेंगे, मदर का नाम डालने के बाद यहाँ पे यूआईडीआई नंबर, उसके मदर का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ पेरेंट एट दैट टाइम ऑफ बर्थ, यहाँ पे बच्चे का बर्थ प्लेस यहाँ पे डालेंगे। इतना डालने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले वाले एड्रेस लाइन में आपको अपने विलेज का नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पे दूसरे वाले में तहसील डालना है, और सबसे लास्ट वाले में आप डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंट्री में इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे पोस्टल जिप कोड, आप यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का पोस्टल जिप कोड डाल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप इसमें अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उसको डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे बच्चे का जहाँ पे जन्म हुआ था उसका प्लेस सेलेक्ट करेंगे। हाउस में हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ था, तो आप उसको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जहाँ पे हाउस में अगर हुआ था तो हाउस का पूरा एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे
ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा ग्राम पंचायत है, उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे किस ब्लॉक में आता है, उसके बाद इन्फॉर्मेंट नेम, इन्फॉर्मेंट नेम में जो भी फॉर्म भरेगा वो उसका इन्फॉर्मेंट नेम यहाँ पे भरना है, उसके बाद जो भी फॉर्म भर रहा है उसका एड्रेस यहाँ पे लगेगा। इतना भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर वाले में बच्चे की जो मदर है उनका टाउन या फिर उनका विलेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे उनके विलेज का नाम लिख देना है, उसके बाद टाउन में है या फिर विलेज में उसको सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद किस स्टेट में हुआ विलेज आता है उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे किस रिलीजन के हैं उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे फादर लेवल ऑफ एजुकेशन मतलब उसके पिताजी कहाँ तक पढ़े हुए हैं, अगर 10th हैं तो यहाँ पे आप 10th डाल दीजिए, उसके बाद मदर लेवल ऑफ एजुकेशन मतलब उनकी माता कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं, उसके बाद यहाँ पे फादर, उसके बाद यहाँ पे फादर्स ऑक्यूपेशन मतलब यहाँ पे क्या करते हैं उनके पिता, उनका पेशा क्या है, गवर्नमेंट जॉब है या फिर फार्मर है या फिर प्राइवेट जॉब जो भी करते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे पूछा है कि मदर ऑक्यूपेशन मदर का पेशा क्या है, हाउस वाइफ है या फिर कोई जॉब करती है, उसके बाद यहाँ पे बच्चे का, बच्चे की मदर का एज क्या था जब उनका शादी हुआ था यहाँ पे वो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जब बच्चा हो गया तब कितने एज की हो गई उनकी माँ, आपको यहाँ पे ये लिखना है। इतना डालने के बाद यहाँ पे उनके कितने बच्चे हैं यहाँ पे उसको लिखना है। अब यहाँ पे मेथड ऑफ डिलीवरी के ऊपर आना है, यहाँ पे मेथड ऑफ डिलीवरी क्या था उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टाइप ऑफ अटेंशन ऑफ डिलीवरी के ऊपर यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे जो भी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बर्थ वेट जन्म लेते समय उनका उसका वेट क्या था उसको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक्स, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी लिखना है वो भी वीक में। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अप्लाई टू ऑफिस के ऊपर क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जिला परिषद सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे उनके विलेज का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इतना करने के बाद अब कुछ दिनों बाद अगर आपको स्टेटस चेक करना होगा तो यहाँ पे ऊपर आएंगे, उसके बाद व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद किस डेट से किस डेट का आप चेक करना चाहते हैं उसका एप्लीकेशन रेफरल नंबर यहाँ पे भरेंगे, उसके बाद गेट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस शो हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत सारा समय और ढेर सारा मेहनत लगता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक और एक शेयर करने से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।